साथियों, हमारा ग्रुप नंबर एक और हमें समस्या दी गई थी 4-7। तो हमारी कहानी है कि रीना अपने भाई राजू के साथ सांप सीढ़ी खेल रही थी। खेलने के लिए उन्होंने अपना ही नियम बनाया था। उनका नियम था कि जितनी बार गोटी से 4 आएगा, जब वो गोटी फेंकेंगे और 4 आएगा तो उनको 7 बोनस पॉइंट मिलेंगे। पहले रीना ने गोटी फेंकी और उसका आया 5। वो बड़ी हताश हुई कि काश मेरा 4 आया होता। फिर राजू की बार और वो 5वें घर में पहुंच गई जिनके। उसके बाद राजू की बारी आई और राजू का पहली ही बारी में 4 आ गया। वो खुशी से उछल पड़ा, वाह मेरा 4 आ गया। वो फटाफट चौथे घर में गया और चौथे घर के में जाने के बाद उसने आगे 7 कदम बढ़ाए। जैसे ही चौथे में गया और उसने आगे 7 कदम बढ़ाए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और वो 4 अंक आने के बावजूद भी 11 नंबर पर पहुंच गया। अब दोबारा से रीना की बारी आई और फिर रीना ने भी भगवान से, हे भगवान मेरे भी 4 आ दे, हे भगवान मेरे भी 4 आ दे, और उसके 4 आ गए। फिर जैसे जैसे गेम चलती रही, रीना के 2-3 बार 4 आए। उसने 4 में आगे 7 कदम बढ़ा के, क्योंकि वो बार बार कर रहे थे तो उन्हें पता चल गया था कि 4 में जब हम 7 बढ़ा देंगे तो 11 आएगा। तो बार बार वो चीज़ करने से उनको पता चल गया रीना के बार बार 4 आ रहे थे और वो गेम जीत गई। तो हमारे इसके कहानी का उद्देश्य और समस्या का उद्देश्य ये था कि बच्चे खेल खेल में सीखें और दूसरा कि गणित विषय के प्रति उनकी रुचि पैदा हो। और हमारा जो हमने आउटकम्स आए वो ये आए कि बच्चों ने खुद करके सीख लिया, उनको समझ आ गया 4-7, 11। इसमें मैम एक चीज़ और, आपने बहुत बढ़िया, बच्चा पैटर्न भी सीख रहा है। हर 4 जब हम डाल रहे हैं तो 7+7 होता है, यानी कम 11 से आगे जाए तो उसे नया पैटर्न भी बच्चे के दिमाग में फिर नया निर्माण हो रहा है। बहुत बढ़िया मैम, क्लैपिंग फटाफट में। नमस्कार सभी को, हमारा ग्रुप नंबर 5। हमारे पास समस्या थी 2×4 और हमें कहानी दी गई थी कि दोस्तों का एक समूह पत्ते खेल रहा था। समूह में 4 दोस्त थे, राम, श्याम, मोहन और रामू। चार उनमें 2 टीम उन्होंने बनाई, राम और श्याम, और दूसरी टीम में था मोहन और रामू। उन्होंने खेलते खेलते खेल को रोचक बनाने के लिए एक शर्त लगाई कि एक बारी में जो जीतेगा उसको 2 रुपये मिलेंगे। और ऐसे राम और श्याम खेलने में बहुत तेज थे, उन्होंने लगातार 4 बारी जीत ली। तो जाते समय जब उन्होंने अपने जीत के पैसे गिने तो उनके पास 2-2 रुपये, 4 बार उन्होंने जीते तो 2, 2, 2 और 2। तो उनके पास जब उन्होंने पैसे गिने तो उनके पास हो गए 8 रुपये। तो 2-2 जब हम जोड़ते हैं तो वो बन जाते हैं 8, और इसी तरह 2×4 ये भी होते हैं 8। तो 2 के कितने समूह बने सर इसमें? 2 के 4 समूह हो गए, तो वो हो गए 8। कि जब हम 2-2 को जोड़ते हैं, जोड़ का ही एक रूप हमारे पास गुणा होता है। जोड़ को जल्दी से करने के लिए ही गुणा का रूप दिया गया है। ऑब्जेक्टिव तो नहीं बोल रहा मैम, बोलिए। हाँ, ऑब्जेक्टिव जो हमारे यहाँ सब पहला है बच्चों को खेल खेल के माध्यम से या कहानी के माध्यम से सिखाना। हमने यहाँ पे क्या सिखाया बच्चों को कि हम क्या कर सकते हैं, जैसे अगर हमें 2×4 करना है, अगर हम 2 को 4 बार जोड़ेंगे, 4 बार मीन्स उसको 4 बार ऐड करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, 8। ठीक है। तो दूसरा है सीखे हुए अनुभव के द्वारा नया ज्ञान देना। उनको पहले से ही प्लस आता है, अगर वो हम उनको मल्टीप्लाई सिखा रहे हैं तो उनको प्लस पहले से ही आता है, जमा पहले से ही आती है, तो वो उसी के द्वारा जो है वो मल्टीप्लाई सीख सकते हैं। तीसरा है उनकी सोचने की क्षमता में वृद्धि करना, और फोर्थ है कल्पना शक्ति का विकास। बहुत बढ़िया, थैंक यू।